सर फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 30th August 2019 फ्राइडे है, सुबह के 7:55 हो रहे हैं. आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस मंथ का और इस वीक का भी. फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे. हमने लास्ट 4-5 दिन से निफ्टी इंडेक्स में देखा कि एक तेजी आई थी, अप्रॉक्स 600 पॉइंट्स का हमने अपसाइड मूव देखा था. हालांकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हमें हर रोज 100 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिल रही है. तो फंडामेंटली अगर बात करें तो लास्ट फ्राइडे को जब भी फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद आरबीआई की भी एक न्यूज आई थी. आरबीआई का जो सरप्लस रिजर्व है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फंड है, ये जो पैसा मिलने वाला है, इसे किस प्रकार से यूज किया जाएगा, किस तरह से इसे इकोनॉमी में लाया जाएगा, इसके बारे में कोई अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है. तो हमें साफ तौर से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है निफ्टी इंडेक्स में. ग्लोबल मार्केट में भी वो ट्रेड वॉर का थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, तो जैसे ही ग्लोबल मार्केट भी रिएक्ट करता है उसी तरह से इंडियन मार्केट्स में भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है. तो आज सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करेंगे. और उसके पहले एक नोट है हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए. नेक्स्ट मंडे गणपति फेस्टिवल है, तो फ्राइडे के बाद हम अभी डायरेक्ट नेक्स्ट वेनसडे ये वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. और वेनसडे को ही हमारी जो प्रीमियम चैनल है उसके अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करते हैं वो डायरेक्ट अभी वेनसडे को, आज के फ्राइडे के बाद डायरेक्ट वेनसडे, नेक्स्ट वेनसडे आपके साथ शेयर किए जाएंगी. मंडे और ट्यूसडे कोई भी काम नहीं होगा ट्रेडिंग फैब की तरफ से. तो प्लीज प्रीमियम मेंबर्स इसका एक नोट डाउन कर ले. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 29th अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,064 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,979. तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. जैसे ही हमारा यहाँ पर ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट 10,955 भी अचीव्ड होता है और एग्जैक्ट यहाँ पर एक कुछ समय के लिए सपोर्ट टेस्ट करता है. और जैसे ही ये फर्स्ट टारगेट का ये जो लेवल है ये भी ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट 10,925 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया और जबरदस्त फिर से एक बार बाउंस बैक मूव दिखाया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिली. डाउ जोन्स करीब 326 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. नास्डैक भी 116 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 223 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर की बात करें अभी तो यहाँ पर अभी 28 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से प्रेशर के साथ, हल्के से गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो अभी फिलहाल पॉजिटिव संकेत है. देखते हैं निफ्टी इंडेक्स में क्या आज इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं. लेकिन बैंक निफ्टी एनालिसिस से शुरू करेंगे. बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, मंथली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का. जैसे कि आपने हमारा पास्ट वीडियो भी देखा होगा लास्ट फ्राइडे का बैंक निफ्टी का. तो यहाँ पर मंथली चार्ट में ये जो 20 EMA है ये कंटिन्यूस सपोर्ट का काम कर रहा है. यहाँ पर लास्ट टाइम 2016 में इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, फिर बाउंस बैक दिखाया था. उसके बाद इसने लगभग हमेशा ये 20 EMA का सपोर्ट टेस्ट करता है और बाउंस बैक दिखाता है. 2016 से पहले यहाँ पर मार्च में, फेब और मार्च में इसने 20 EMA को ब्रेक किया था, तभी इसने 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है इसको सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था. अभी 3 साल में इसने ये 20 EMA को मंथली चार्ट में ब्रेक नहीं किया.
अभी भी ये 20 ईएमए के ऊपर बना हुआ है मंथली चार्ट में, तो आज ये देखना होगा कि ये 20 ईएमए के नीचे क्लोज होता है या फिर इसके ऊपर ये सस्टेन कर पाता है मंथली चार्ट में। ये अगस्त महीने का कैंडल है, ओपन हाई लोअर क्लोज हमें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करूं, ये जो लास्ट लो है और ये जो हाई है इसको पकड़ के, तो 23.6% का ये जो फर्स्ट लेवल है ये भी एग्जैक्ट 20 ईएमए के आसपास ही आ रहा है। तो इसने इस लेवल को अचीव कर लिया है, तो ये लेवल्स काफी क्रूशियल होते हैं। यहाँ से सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक होने की उम्मीद होती है, तो हो सकता है इस 20 ईएमए को यहाँ पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हो, या फिर इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 50 ईएमए, जो कि ये ब्लू लाइन है। तो ये है फिलहाल अभी मंथली चार्ट का सिनेरियो। आरएसआई और प्राइस एक्शन को कंपेयर करें तो यहाँ पर डाइवर्जन है। आरएसआई यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है और प्राइस एक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहे, तो ये डाइवर्जन है, निगेटिव डाइवर्जन। तो ये हमें दर्शाता है कि यहाँ से प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, बुल्स के ऊपर बेयर्स हावी हो रहे। तो यहाँ पर अगर आरएसआई में हायर बॉटम्स बनते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अगर यहाँ पर ये हमें निगेटिव डाइवर्जन देखता है तो हमें यहाँ पर प्राइस में भी एक फॉल, एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल 20 ईएमए का सपोर्ट ब्रेक करता है या नहीं ये देखना यहाँ पर लाजमी होगा। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने एज पर वीकली चार्ट जो लास्ट बॉटम और हाई बनाया था जहां पर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अगर लाइन चार्ट में मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो क्लियर आपको यहां पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन दिखेगा, और इसके बाद यहां पर ये और भी टुवर्ड साउथवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो अभी फिलहाल जैसे कि हमने निफ्टी में देखा, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो निफ्टी इंडेक्स में भी ये जो ब्लू लाइन है 50 ईएमए और नीचे 100 ईएमए, इसके बीच में निफ्टी इंडेक्स भी ट्रैप हुआ है, और अभी ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी लास्ट 4 वीक से इसी रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो अभी ये अपर बैंड हो सकता है 50 ईएमए इसका, ये जो अराउंड 28,400 के पास है, और नीचे ये 100 ईएमए अराउंड 26,850 के पास है। तो एज पर वीकली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से इस रेंज में बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर में ये रेजिस्टेंस होगा 50 ईएमए और नीचे ये जो 100 ईएमए है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अराउंड यहाँ पर ही 61.8% का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 27,100 के पास, तो यहाँ पर काफी क्रुशियल सपोर्ट है। इसे ब्रेक अगर करता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में और भी फॉल दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनरियो बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में नेक्स्ट वीक के लिए अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो फर्स्ट तो ये 61.8% का यहाँ पर सपोर्ट होगा जो कि 27,100 के पास है, और नेक्स्ट सपोर्ट होगा जहां से इसने 4 दिन पहले जहां से बाउंस बैक दिखाया था 26,560 के पास, जहां पर ये जो कंसोलिडेशन फेज था इलेक्शन से पहले, ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसका लोअर बैंड का ये जो लेवल है ये भी 26,500 के पास आ रहा है। तो 26,500 नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है नेक्स्ट वीक। फर्स्ट सपोर्ट होगा 27,100, उसके बाद 26,500, और ऊपर में अगर ये मूव करता है तो जो आप देख रहे हैं 3 दिन पहले ये 20 ईएमए जो है ये हर्डल का काम कर रहा है, ये इसे ऊपर की तरफ जब मूव हो रहा है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो कल का हाई है, कैंडल का कल का हाई 27,700, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर हमने पास्ट में देखा था, यहाँ पर 3 दिन इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो 27,700 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 28,100 के पास आ रहा है, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ये ऊपर में 2 रेजिस्टेंस के लेवल है और ये नीचे में ये 2 सपोर्ट के लेवल्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप नेक्स्ट वीक के लिए आपका बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। आज के लिए इंट्राडे क्या लेवल्स होंगे इसे आइडेंटिफाई करेंगे,
लेकिन वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में सेम पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी में बना है वैसे ही यहाँ पर भी बना हुआ है। 50 EMA और 100 EMA के बीच में ये ट्रैप हुआ है वीकली चार्ट में। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हमें ऊपर रेजिस्टेंस 11,200 का यहाँ पर दिखा रहा है और ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि अराउंड 10,770 के पास है इस वक्त। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में दो दिन पहले हमने यहाँ पर देखा था कि 20 EMA को इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया और इसके ऊपर सस्टेन हुआ, लेकिन कल इसने इसे फिर से एक बार 20 EMA को ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट अगर ये टुवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना था 10,900 इसका लो था, तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो जहाँ से इसने एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया था, हमने यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखा था, तो 10,785 ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। और उसके बाद जहाँ से अभी चार दिन पहले जहाँ से बाउंस बैक दिखाया था 10,637 ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो तीन सपोर्ट के लेवल्स हैं अगर ये तीनों भी ब्रेक होते हैं तो ही हमें यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में टूवर्ड साउथ की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस हैं शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अपसाइड स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तभी ये यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी बुलिश अपसाइड ट्रेंड का ये स्ट्रक्चर बनता है। अभी आप देख सकते हैं टोटली इसके अपोजिट है, रिवर्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो 20 EMA के ऊपर यहाँ पर डिसीजिव मूव दिखाना होगा, स्ट्रांग मूव, तो ही यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आने का कंफर्मेशन एक हमें मिल सकता है। अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी इंडेक्स में, अगर और पैनिक बढ़ता है तो यहाँ इन सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें और भी निफ्टी इंडेक्स में टूवर्ड साउथवर्ड मूव देखने को मिल सकती है। तो यह है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल के लो के नीचे तुरंत S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है जो कि 10,906 के पास है। तो इसे कंफर्टेबली, इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए जहाँ पर इसने लास्ट पास्ट में सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक भी दिखाया था। तो इस लेवल को अगर ये क्लियरली ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,872, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 10,835, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है, टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो कल का हाई मेजर फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके पहले कई सारे रेजिस्टेंस लेवल है, मूविंग एवरेजेस के लेवल से पिवट पॉइंट का लेवल है, R1 का लेवल है, तो इन सब लेवल्स को कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। यानी 11,021 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,045, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,064, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडेवल्स। कल के वीडियो में हमने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करके दिखाया था, एक पैटर्न यहाँ पर बन सकता है अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से अपसाइड मूव दिखाता है तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। कल का वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें हमने क्लियरली ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया था, एक पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ से अपसाइड मूव आता है तो। तो ये फिलहाल आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।